दोस्तों आप देख रहे हैं जेड रियल स्टार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ अंसारी, और आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो को लेकर। ये वीडियो ज़रा कुछ हटके है। ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वीडियो हमेशा हमेशा के लिए आपको यादगार रहेगी। अगर आप इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है या गिफ्ट गैलरी चलाते हैं या मार्केटिंग का कोई काम ढूंढ रहे हैं या मार्केटिंग में आप एक्सपर्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो आपको YouTube पर ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट पर भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस काम को करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन जिसको ये बिजनेस रास आ जाता है, बस ये समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो ये वीडियो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए यादगार बनने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ना जाने आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों देखते रहिए जेड रियल स्टार। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ अंसारी। आइए लेकर चलता हूँ आपको उस जगह जहाँ पर ये सभी प्रोडक्ट बनते हैं। एक ही छत के नीचे एक नहीं, दो नहीं, सो नहीं, बल्कि हजारों प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे बनते हैं, जिनका बिजनेस शुरू करके आप हजारों नहीं बल्कि महीनों में लाखों कमा सकते हैं। और इस बिजनेस की सबसे ख़ास बात ये है कि ये बिजनेस बिल्कुल फ्री में शुरू हो जाता है। सिर्फ आपको कस्टमर ढूंढने हैं, मार्केटिंग करनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। आपको कस्टमर को सिर्फ इस जगह का एड्रेस बताना है और आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों देखते रहें जेड रियल स्टार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ अंसारी।
मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्टैचू बनाए जाते हैं और पॉट्स बनाए जाते हैं। इतने सारे स्टैचू यहाँ पर बन रहे हैं और किस तरह से बन रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पहले क्या ढांचा तैयार होता है, कैसे डाई तैयार होती है, ये सब कुछ आप देख रहे हैं और किस चीज़ से बनाया जाता है। उसके बाद फिर उसको कलर मेट करके किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, जिसे आप अपने घर में सजाते हैं, पूजा करते हैं और घर के इंटीरियर की रौनक बढ़ाने के लिए उसको लगाते हैं। आप किस तरह से आप देख रहे हैं सारी चीज़ें। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये जो स्टैचू होते हैं, जो मूर्तियां होती हैं, जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, इनको बनाने वाले कौन लोग होते हैं, उनका नाम क्या होता है, वो कैसे लोग होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। देखो ये देख रहे हैं आप, सभी यहाँ पर डाई तैयार हो रही है और बात करेंगे इधर से। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर सभी कारीगर मौजूद है। भाई ये क्या बना रहे हो भैया आप? यह पानी का फाउंटेन बना रहे हैं, पानी का झरने होते हैं जो घर की सजावट के लिए काम आते हैं। पानी के फाउंटेन, पानी के झरने चलते हैं। तो ये डाई है सर? ये डाई है, इसका डाई का ये फर्मा होता है ये वाला। जी जी जी। जिसमें दो कोट करके मटेरियल डाल के घुमाया जाता है। ठीक ठीक। उससे ये फर्मा से डाई से पीस तैयार हो जाता है। अगर जैसे कोई अपना जो है कोई आर्टिकल लाता है और आपसे बनवाए, तो उस पे भी उसकी भी डाई आप तैयार कर देते हैं? कोई सा भी आर्टिकल हो, हमको केवल उसका एक फोटो चाहिए, उससे हम फर्मा तैयार करके पीस बना देते हैं। और धार्मिक स्टैचू में आप कौन कौन सी यहाँ पर स्टैचू बनती है? लॉर्ड बुद्धा वगैरह की बनती है और किसकी बनती है? गॉड फिगर में हम सभी मूर्तियाँ बना देते हैं, मगर ये हमारे कारखाने में गॉड फिगर छोड़ के गौतम बुद्ध की सारी मूर्तियाँ बनती है। फ्लावर पॉट, फाउंटेन, कपल्स पॉट, टेबल सब बनता है यहाँ पे। जो भी गिफ्ट में चलता है टोटल यहाँ आइटम बनता है। ठीक ठीक। और देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी कारीगर यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही एक्टिव, बहुत इंटेलिजेंट कारीगर ये समझ लीजिएगा। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भाई क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी ये क्या बना रहे हैं आप? गौतम बुद्ध की मूर्ति बना रहे हैं जी। अच्छा, गौतम बुद्ध की मूर्ति बना रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और भाई आपका नाम क्या है? सुनील जी। सुनील जी, सुनील जी किस चीज़ की ये क्या बना रहे हैं आप? लाखन बुद्धा। अच्छा, सब बुद्धा बना रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, देख रहे हैं आप किस तरह से। और नीचे भी मैं जब ये इसको मूर्ति को फाइनल टच दिया जाता है तो वो किस तरह से, और देखिए किस तरह से घिसाई हो रही है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान साहब क्या बना रहे हैं? ये फाउंटेन बननी है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और भाई, और जो है भाई ये क्या है, क्या नाम है आपका? मशकूर जी। मशकूर, मशकूर भाई ये क्या बना रहे हैं आप? अंगूर फाउंटेन। अच्छा, अंगूर फाउंटेन, ये जो है इंटीरियर में सजाने के लिए काम आता है। हाँ जी, घर में। हाँ जी, बहुत अच्छा। और ये जो है, और एक उधर भाई देखते हैं उधर वो क्या बन रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। भाई क्या नाम है जी? आसिफ। आसिफ भाई क्या बना रहे हैं आप? ये कपल्स हैं। अच्छा, कपल्स जो मतलब स्टैचू जो होते हैं जो घर में सजाने के लिए काम आते हैं। जी जी हाँ, वही। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर, सभी समुदाय के कारीगर यहाँ पर मौजूद हैं। और जो है ये जितनी भी आप तस्वीरें मंदिरों में देखते हैं शिव जी महाराज की या लॉर्ड बुद्धा की, यहाँ पर जो है सभी मूर्तियाँ यहाँ पर बनती हैं। और फाइनल टच इन्हें किस तरह से दिया जाता है ये मैं आपको नीचे चल के दिखाऊँगा। और देख रहे हैं सारी चीज़ें आप किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। ये अभी ये बेसिक काम है, जो फाइनली होता है वो नीचे होता है, किस तरह से इनको कलर किया जाता है। और कलर के बाद फिर जो है इस पर स्पार्कल टच दिया जाता है, तो वो सारी नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ देख रहे हैं किस तरह से मैंने आपको ऊपर दिखाया, जो बेसिकली होता है, जो बेसिक होता है, पहले मूर्ति को पहले डाई बनाई जाती है, उसके बाद उसकी घिसाई होती है और फिर उसको फाइनल टच देने के लिए यहाँ पर जो है कलर किया जाता है। क्या नाम भाई आपका? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद भाई, आप यहाँ पे बताएं कौन कौन सी जो मूर्तियाँ और बनाते हैं। तो आपके जो स्टैचू है ये तो एक थोड़ा सा डिजाइनिंग एक गिफ्ट है, और यहाँ धार्मिक कौन कौन सी बनाई जाती है? बस धार्मिक फ्लावर पॉट हैं, गौतम बुद्ध हैं। जी जी जी। धार्मिक नहीं बनती, बस गॉड फिगर नहीं बनती। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जैसे लेकिन गॉड बुद्धा की यहाँ पर बनती है? बस गॉड बुद्धा बनता है। ठीक है ठीक है। यहाँ पे आप जो है, और भाई क्या नाम है भाई आपका? याकूब। याकूब भाई स्वागत है आपका चैनल में। आप क्या कर रहे हैं, आपका काम क्या होता है यहाँ पर? मेरा कलर का काम है जी। अच्छा, कलर का काम होता है, ये जितनी भी कलर हुई हुई है सब आपकी है जी। और एक भाई इधर भी बना रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका?
जी हारून। हारून भाई, तो ये सारी चीजें जो है आप इसको कलर डेकोरेट करते हैं मतलब, और उसके बाद जो फाइनल टच कौन देता है? फाइनल भी हम ही करते हैं। अच्छा, फाइनली आप ही करते, जो स्पार्कल जो है होती है, चमक धमक होती है, वो सब जब है ना वहाँ से ऊपर से आता है स्टेचू बन के, तो वो आपके पास आता है, तो आप उसको फाइनल करते हैं? जी बिल्कुल, उसे कंप्लीट करते हैं, जब तक वो पैकिंग तक नहीं पहुँचता, जो भाई हैं हमारे जी वे पैक करते हैं उनको। अच्छा, जो कारीगर है उधर पैकिंग करते हैं? पैकिंग वाले अलग हैं, कलर वाले अलग हैं, कच्चे वाले अलग हैं। ठीक हमारा काम कलरिंग का है, हम कलर करते हैं ये जी, इसकी शोभा बढ़ाते हैं हम। ठीक और आप देख ही रहे हैं दोस्तों यहाँ पर सभी, और देखिए यहाँ पर ये सब ये तैयार रखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है फ्लावर पॉट भी है, और काफ़ी जो है स्टेचू, और भाई हमारे यहाँ पैकिंग कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मतलूब। मोहम्मद मतलूब साहब, जो इस, मैं आपको बता दूँ, मतलूब साहब ही इस जो है इंडस्ट्रीज़ के, जो इस फैक्ट्री के, इस कारखाने के जो है प्रोपराइटर है, और देख रहे हैं कितना मतलब रिस्पॉन्सिबल बंदा है, मतलब खुद ही कारीगरों के साथ मिलकर जो है पैकिंग भी खुद ही कर रहे हैं। तो सर ये बताएं, जैसे अगर कोई आदमी अपने मतलब कोई कस्टमर है, कोई भी बंदा है, अगर वो अपना कोई आर्टिकल लाता है, तो उसकी भी डाई आप तैयार कर देते हैं? गॉड फियर छोड़ के। अच्छा, गॉड फियर मतलब जो जो है भगवान वगैरह की जो स्टेचू होती है वो नहीं करेंगे, बाकी जो गिफ्ट है या कुछ कुछ भी है? अच्छा, और अगर जैसे कोई होलसेल में खरीदना चाहता है आपसे माल, तो उसको भी आप दे सकते हैं? हाँ दे देंगे, बेचने के लिए तो बना रहे हैं हम, घर में थोड़े रहते हैं। नहीं, उसमें ऐसा है ना कि मतलब ट्रांसपोर्ट सुविधा उसी की होगी या आपकी होगी? फाइनली रेट के ऊपर बात है, जैसे भी तय होगा वैसे हो जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों मैं मौजूद हूँ आज एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर जो है बेशुमार तरह के आर्टिकल यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, और मैं आपको कुछ आर्टिकल सभी दिखाऊंगा, उसमें देखें, और जो आप खरीदना चाहते हैं होलसेल में खरीदना चाहते हैं, तो आप यहां संपर्क कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस इंडस्ट्रीज़ का नंबर मैं आपको दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन से आप नोट करें, और यहां पर अगर आप एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, और अगर आप एक गिफ्ट सेंटर की शॉप चलाते हैं, या आप इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों देखते रहिए जेड रियल स्टार, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पॉट्स इनके, जो कुछ नए आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और जिनसे आप, जिनका बिजनेस करके आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं।